दशक को डिजिटल से खुशामदी। पाकिस्तान में पीरों गद्दी नशीनों की सियासत का तसव्वुर कब आया और क्या वक्त के साथ इसमें कमी आ रही है? नाज़रीन, आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, ये मंजर सुबह पंजाब के शहर झंग का है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली चंद वीडियोस में देखा जा सकता है कि बेश कीमत गाड़ियों के काफले में अपने हल्का इंतखाब में वोटर्स तक पहुंचने वाले मखदूम फैसल साले हयात जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो वोटर्स की बड़ी तादाद आगे बढ़कर उनको खुशामदीद कहती है। फैसल साले हयात झंग के कौमी असेंबली के हलके NA 108 और सूबाई असेंबली के हलके PP 125 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान में जैसे जैसे आम इंतखाबात की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब अपनी सियासी सरगर्मियों और इलेक्शन की तैयारियों से मुतालिक इस नौइयत के सैकड़ों वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही हैं। ताहम इस वीडियो में जो बात दूसरे उम्मीदवारों की जानिब से पोस्ट करने वाली वीडियो से मुख्तलिफ है वो ये कि उन्हें कॉर्नर मीटिंग में खुशामदीद कहने वाले उनसे मिलते वक्त ताजीम में अपनी कमर को थोड़ा खम देते हैं, एक हाथ उनके हाथ में सलाम की गर्ज से देते हैं और दूसरे हाथ से ताजीमन उनका घुटना छूते हैं। नाज़रीन कराम, शायद इस ताज़ीम की एक वजह ये है कि मखदूम फैसल साले हयात आइंदा माह होने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग के उम्मीदवार होने के साथ साथ पाकिस्तान की एक मारूफ गद्दी शाह जियोना के गद्दी नशीन भी हैं। और ये मामला फैसल साले हयात तक महदूद नहीं बल्कि वोटर्स की जानिब से इस नौइयत का खुश आमदीद पाकिस्तान के उन तमाम पीर घरानों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों को मयसर आता है जो आइंदा माह होने वाले इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ये मामला सिर्फ आम वोटर्स या देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सादा लो अफराद तक भी महदूद नहीं बल्कि तारीखी तौर पर देखा जाए तो पीरों और बड़ी गद्दियों का रूहानी गलबा पाकिस्तान की सियासी अशराफिया पर भी बराबर रहा है। सन 2018 के वो मनाजिर तो आपको याद ही होंगे जब इमरान खान पाक पतन की रूहानी गद्दी पर हाजिरी देते पाए जाते थे। और महज इमरान खान ही नहीं, बेनजीर भुट्टो हो या उनके शौहर सदर आसिफ अली जरदारी, अयूब खान हो या जुल्फिकार अली भुट्टो या फिर मियां नवाज शरीफ, इन बड़े सियासतदानों पर पीरों का रूहानी गलबा हमेशा रहा है। नाज़रीन, सियासी माहिरीन के मुताबिक जब बड़े सियासतदान पीरों के अकीदत मंद रहे हों तो वहाँ आम सियासी कारकुनों का अकीदत की सियासत के जेरे असर रहना कोई अचंभे की बात नहीं। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन में भी बहुत से गद्दी नशीन या इनके घरानों से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ कौमी व सूबाई हल्कों में सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं। ताहम पाकिस्तान की बड़ी गद्दियों और उनके इलेक्शन 2024 में असरात को जानने से कबल हम माजी में चलकर देखते हैं कि ये सिलसिला कितना पुराना है। नाज़रीन किराम, अगर बर्रे सगीर की मुस्लिम तारीख का जायजा लिया जाए तो इसमें सूफिया के मज़ारात देही मुस्लिम सकाफत में कलीदी हैसियत के हामिल रहे हैं। ये मज़ारात जो इब्तदा में मजहबी शनाख्त रखते थे रफ्ता रफ्ता सियासी कुव्वत की अलामत बनते गए और बाज इलाकों में तो देही सियासी निज़ाम इन मज़ारात का मरकज़ो महवर बनकर रह गया। आम लोगों की अकीदत को इन मज़ारात से जुड़े खानदानों ने सियासी ताकत के हसूल के लिए भी इस्तेमाल किया। तारीखी हवालों के मुताबिक मुगल बादशाहत ने मारूफ मज़ारात से मुंसलिक खानदानों को मराहत से नवाजा और जब बरे सगीर पर अंग्रेजों की हुक्मरानी का दौर आया तो ऐसे खानदानों की अहमियत मजीद बढ़ गई और उनको दी जाने वाली मरात व जागीरों में बेपनाह इजाफा हुआ। बरे सगीर में मज़ारात और गद्दियों की तारीख पर तहकीक करने वाले मारूफ मौर्रिख डेविड गिलमार्टन के मुताबिक मुगल अहद के दौरान रियासत ने बहुत से अहम सज्जादा नशीनों के साथ करीबी ताल्लुकात कायम कर लिए। मुगलों ने मुल्तान में अपने मकामी गवर्नरों के तौर पर खिदमात सरंजाम देने के लिए हमेशा सज्जादा नशीनों के एक खानदान कुरैशी खानदान पर हमेशा भरोसा किया। ताहम मुगल बादशाहत के जवाल का खानकाही सियासत के अलमबरदारों पर कोई असर न पड़ा। डेविड गिलमार्टन के मुताबिक मुगलों के जवाल के बाद बहुत से सज्जादा नशीनों ने अपने आप को ताकतवर मकामी सियासी शख्सियात के तौर पर मुस्तहकम कर लिया। नाज़रीन, आईए टॉलबोट अपने तहकीकी मकाले दी 1946 पंजाब इलेक्शन में लिखते हैं कि पीरों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया क्योंकि देहात में उनके मुतअद्दिद पैरोकारों पर ये बेपनाह रूहानी और दुनियावी गलबा रखते थे। लीग ने अपनी सबसे बड़ी इंतखाबी कामयाबी मुल्तान, झंग, जेहलम और करनाल जैसे अजला में हासिल की जहाँ उसे सरकर्दा पीरों और सज्जादा नशीनों की हिमायत हासिल थी। वो मजीद लिखते हैं कि सन 1923 में
में कायम की जाने वाली यूनियनिस्ट पार्टी ने 1937 के इंतखाबात में 14 सरकर्दा पीरों और सज्जादा नशीनों से हिमायत के लिए राबता किया। दरगाह जलालपुर शरीफ की गद्दी से वाबस्ता सैयद शम्स हैदर बताते हैं कि यूनियनिस्ट को चूंकि इस पहलू का इदराक था कि दरगाहों का दायरा असर वसी है, तो वो एक बड़ी जमात होने की वजह से सियासी हिमायत के लिए सज्जादा नशीनों से राबता करती थी। और दीगर अवामिल के अलावा सज्जादा नशीनों की इस हिमायत का नतीजा ये निकला कि 1937 के इंतखाबात देही मुस्लिम नशिस्तें जिनकी तादाद 75 थी उसमें से 73 नशिस्तें यूनियनिस्ट पार्टी ने जीत ली। और ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं, मुस्लिम लीग ने 1945 के सूबाई इंतखाबात से कबल मजहबी वोट बैंक रखने वाले अफराद की फहरिस्त तैयार की जिसको मशायख कमेटी का नाम दिया गया और मजहबी वोट बैंक को हासिल करने के लिए कोशिशें तेज कर दी। मुस्लिम लीग ने अहम खानकाओं के सज्जादा नशीनों तक रसाई हासिल करके उनसे मुस्लिम लीग के हक में वोट हासिल करने के लिए फतवे भी हासिल की। इस जमन में पहला फतवा हजरत शाह नूर जमाल की खानकाह के सज्जादा नशीन सैयद फजल शाह की जानिब से दिया गया था। डॉक्टर अब्दुल गनी की किताब अमीर हिजबुल्लाह के मुताबिक 31 दिसंबर 1945 में जलालपुर शरीफ में पंजाब के 1062 लोग जमा हुए। उनमें 24 लोग इंतखाबी हलकों के हामिल थे। सबने इस बात पर इत्तफाक किया कि वो अपने अपने हलकों में मुस्लिम लीग के उम्मीदवार को कामयाब करवाएंगे। नाज़रीन, उस जमाने में मकामी सियासत में सज्जादा नशीनों का असर रसूख किसी हद तक कायम हो चुका था। इस जमन में डेविड गलमार्टिन लिखते हैं कि 1944 यूनियनिस्ट पार्टी से कता ताल्लुक के बाद जलालपुर के पीर फजल हुसैन शाह के मामू राजा गजनफर अली खान के हमरा मकामी धड़ा मुस्लिम लीग में शामिल हो गया। वाज़े रहे कि राजा गजनफर अली खान ने 1937 का इलेक्शन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से लड़ा था, मगर इंतखाबात के बाद ये यूनियनिस्ट पार्टी में चले गए थे और बादजा ये फिर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। इस गद्दी की सियासत से वाबस्ता सैयद शम्स हैदर कहते हैं कि राजा गजनफर अली का यूनियनिस्ट में चले जाना एक सियासी दाव था। दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कबल अजी यूनियनिस्ट पार्टी ने जिन पीरों और दरगाहों की हिमायत हासिल करके सियासी फिजा का धारा बदला था, उन पीर खानदानों और दरगाहों ने पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत को आगे चलकर भी मुतासिर किए रखा। यूनियनिस्ट और बाद अजां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नजदीक जो अहमियत पीरों और दरगाहों की रही, वैसी ही अहमियत हर दौर की बड़ी सियासी जमातों को भी रही। ताहम रवां सदी में होने वाले इंतखाबात के नतायज का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि बास गदियों का वोट बैंक कम हुआ, बास का तकसीम और कुछ गदियों की सियासत मुकम्मल तौर पर वक्त के साथ खत्म होकर रह गई। खैबर पख्तूनख्वा से दरगाह मान की शरीफ, अटक की गद्दी मखट शरीफ और जेहलम से पीर फजल शाह की गद्दी की सियासत का दायरा असर तरजीहन कम होता होता अब बजाहिर आखिरी सांसें ले रहा है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करके अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।